अजीजों, मुल्क हिंदुस्तान बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा है। हालात से आप बखूबी वाकिफ हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। नेट का जमाना है, ट्विटर और कंप्यूटर का जमाना है। यूट्यूब पर सर्च करके आप देखें, अखबारात को आप पढ़ें, अब खबरों में जाकर के देखें, हर जगह से नफरतों की बात की जा रही, चारों तरफ नफरत नफरत, सिर्फ एक कौम को टारगेट किया जा रहा है। वो कौम जिसके आबाओ अजदाद ने अपना खून बहा करके इस सरजमीन को आजाद कराया है, उस कौम को आज गद्दार कहा जा रहा है। उस एक खास कौम को, उस खास एक तबके को गलत गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उलमा इकराम पर, मुफ्तियान इज़ाम पर, अल्लाह वालों पर, जिन्होंने कभी नफरत की बात नहीं की, जिन्होंने कभी अपने मुल्क को तोड़ने की बात नहीं की, जिन्होंने हमेशा अपने मुल्क के साथ वफादारी की बात की है, हाँ, वो आज पूरे तौर पर आज उनको जेलों में डाला जा रहा है। कि आप भूल गए कि आपको मौला कलीम सिद्दीकी याद नहीं है, कि आपको मुफ्ती अब्दुल समी याद नहीं है, जिनको 2019 में गिरफ्तार किया गया था। मुसलमानों ने कुछ दिन शोर मचाया, कुछ दिन एहतजाज किए, उसके बाद मुफ्ती अब्दुल समी को भुला दिया गया। मौला जहांगीर आलम कासमी को गिरफ्तार किया गया, मुसलमानों ने थोड़ा सा शोर मचाया, उसके बाद मुफ्ती जहांगीर आलम को भी भुला दिया गया। मौलाना उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया, उनको भी थोड़े दिन याद रखा गया, मुसलमानों ने उनको भी भुला दिया। हमेशा मोहब्बत की बात करने वाला, हमेशा अपने मुल्क की मोहब्बत का दर्श देने वाला मौला अब्दुल मौला करीम सिद्दीकी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। एहतजाजात आज हो रहे हैं, चंद दिनों के बाद मुसलमान मौला करीम को भी भूल जाएंगे। एक दिन हमारी भी बारी आएगी, धीरे धीरे इन उलमा की भी बारी आएगी, धीरे धीरे उलमा को यूं ही गिरफ्तार किया जाएगा, इनको पूरे तौर पर जेलों में नाजायज मुकदमा पे फंसा करके डाल दिया जाएगा। क्यों? ताकि उम्मत के रहनुमाई करने वाला कोई बच न पाए, इनको सही बात बताने वाला कोई मौजूद न रह पाए। वज़ारत अल-अस्वात फिल मसाजिद वसादल कबीलत फासिकुहुम वकान ज़ैमन क़ौम याज़लुहुम वआकरमु रजुल मखाफत शर्रिही वज़ारत अल-क़ैनात वल मआदिस वशरबत अल-खुमूर वलाना आखिरु हादिहि उम्मत अव्वलहा। इमाम अल-अंबिया ने आज से 1,000 1,00,000 पूरे तौर पर 1,344 साल पहले मदीने की सरजमीन से ये ऐलान कर दिया था, एक दौर आएगा कि उलमा को पूरे तौर पर धरती से मिटाने की साजिशें रची जाएंगी। इन मस्जिदों में शोर शराबा होने लगेगा, चहला लोग, जाहिल लोग, नाहिल लोग इन मस्जिदों में कब्जा कर देंगे और ये उम्मत में फसाद बर्पा कर देंगे। धीरे धीरे उलमा दुनिया से चले जाएंगे। हाँ हाँ अजीजों, ये दौर वही दौर आने वाला है, कयामत का कयामत करीब है, और करीब दज्जाल निकलने वाला है। दज्जाल भले अभी आए, दज्जाली साजिशें दुनिया में वजूद पा चुकी है, और मुसलमान और खासकर अहले इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। आप तारीख नहीं पढ़ते, हिस्ट्री नहीं पढ़ते, मुसलमानों में सबसे ज्यादा कमी, अगर कमजोरी की कमी, अगर ये जो पाई जाती है कमजोरी, वो इल्म की कमजोरी है हर एतबार से। आप देख लीजिए, आपके इलाके में भी मदरसे होंगे, आप जहां से आए वहां भी मदरसे होंगे, आप मदरसे को क्या दे रहे हैं, मदरसे को क्या दे रहे हैं आप, मदरसे के उलमा को क्या दे रहे हैं, मदरसे की मस्जिद के मुअज्जिनीन को, मस्जिद के इमामों को आप क्या दे रहे हैं, क्या आप उनकी खिदमत कर रहे हैं। आप अपने गरिमा में छान कर देखें, अभी 2 साल होने को है लॉकडाउन, कितने ऐसे आपके इमाम हैं, कितने आपके ऐसे मुअज्जिनीन हैं, कितने आपके ऐसे उलमा हैं, कितने ऐसे हुफ्फाज हैं, कितने ऐसे कारिए कुरान हैं, कितने ऐसे मुफ्ती जमा हैं जिनकी नौकरियां खत्म हो गई, जिनकी मुलाजमतें खत्म हो गई। ये खुददार कौम है, ये भूखी मर जाएगी मगर आपके सामने कभी हाथ नहीं फैलाएगी। लोग अस्ताने देते हैं, मौलाना साहब को 5,000 6,000 10,000 मिलता है, बरकत बड़ी होती है, कहते नहीं, कहते मामुनुद्दीन साहब नहीं कहते,
हाँ क्या कहते हैं, बरकत बहुत होती है। अगर आप देते भी कम है, ऊपर से बरकत भी ना हो। एक डॉक्टर साहब है।